हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में 1 kg केक। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हमने व्हिप क्रीम लिया है, इसे हम व्हिप कर लेंगे। इसे हमेशा फ्रीज़र में ही स्टोर करके रखिए और जब निकाल बनाते समय इसे 2 से 3 घंटे के लिए बाहर निकाल दीजिए, जिससे कि ये थोड़ा सा मेल्टेड हो जाएगा, फिर इसे व्हिपिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले क्रीम को हम व्हिप कर लेंगे। ठंड के मौसम में क्रीम बीट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत जल्दी ही बीट हो जाता है। तो यहाँ पे 5 मिनट का मुझे समय लगा, क्रीम भी बीट हो चुका है। अब हम लेंगे स्पॉन्ज। तो स्पॉन्ज भी मैंने 230 ग्राम का प्रीमिक्स से मैंने वनीला स्पॉन्ज बनाया है, और इस ये थोड़ा सा ब्लू कलर का मैंने स्पॉन्ज बनाया है। अब इसे शुगर सिरप से या फिर प्लेन वाटर से अच्छे से सोक करेंगे, ताकि जो केक है ड्राई ना लगे। अब क्रीम को हम इसमें मिक्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्रीम की मैं बहुत ही कम लेयर लगाऊंगी, क्योंकि अभी ज़्यादा क्रीम कोई पसंद नहीं करता। तो मैं यहाँ पे इसे कम लेयर में ही क्रीम को इसमें लगाऊंगी। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी स्ट्रॉबेरी क्रश। आप चाहे तो अपने हिसाब से दूसरा कोई फ्लेवर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसमें डाला है स्ट्रॉबेरी क्रश। इसी तरह से हम तीनों लेयर को सेट कर लेंगे और इसकी क्रम कोटिंग भी तैयार कर लेंगे। हर केक में ये स्टेप ज़रूर फॉलो होता है, और इसको हम साइड से भी क्रीम को लेते हुए हम इसकी मतलब फाइनल क्रम कोटिंग जो इसकी अच्छे से करते जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि ये अच्छे से मतलब फिनिश हो रहा है। अब इस थर्ड लेयर भी इस तरह से देखकर हम इसकी क्रम कोटिंग को डन करेंगे। क्रम कोटिंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर केक में क्रम कोटिंग अच्छे से ना करेंगे तो फाइनल फिनिशिंग में ये जो क्रम केक के जो क्रम्स हैं, जिससे कि फिनिशिंग ख़राब होगा। तो इसलिए क्रम कोटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह से और वीडियोज़ देखने के लिए। और क्रम कोटिंग हो जाने के बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे फ्रिज में, जिससे कि ना केक सेट हो जाए। अगर आप बिगनर हैं तो ये स्टेप को ज़रूर फॉलो करें। यहाँ पे मतलब क्रम कोटिंग कंप्लीट हो चुका है, इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। इसी बीच हम बाकी भी काम कर लेते हैं। तो मैं ये केक को ब्लू कलर में बना रही हूँ, तो इसलिए ना मतलब क्रीम को ज़्यादा कलरफुल ना बनाते हुए मैं थोड़ा सा लाइट ब्लू बनाऊँगी। तो इसीलिए मैंने पॉलीथीन में थोड़ा सा इस तरह से एक ड्रॉप ब्लू कलर ऐड किया है, और इसे इस तरह से मच कर देंगे, जिससे कि ना मतलब जो क्रीम में बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। अब इसमें हम क्रीम को भरेंगे। इससे ना केक का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे पाइपिंग बैग में क्रीम को भरने के बाद हम इसमें फाइनल फिनिशिंग देंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये स्टेप ना बहुत ही अच्छा है। मतलब ना अगर आप क्रीम में ज़्यादा कलर ऐड नहीं करना चाहते तो, और इसी से ना आपको बहुत ही अच्छा सा ब्लू वाला शेडेड कलर आएगा। तो मैं इसे साइड में ही सिर्फ लगाऊंगी, क्योंकि मुझे कम क्रीम में केक को डेकोरेट करना है, और ऊपर में मैं अलग सा डिज़ाइन बनाऊँगी, इसलिए मैं इसे ऊपर से छोड़ दूँगी। और इसे स्क्रैपर से अच्छे से स्क्रैप करेंगे, जिससे कि इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छा है। फाइनल फिनिशिंग हो जाने के बाद इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन में आप कोई भी डिज़ाइन इसमें से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो ब्लू कलर और थोड़ा सा पर्पल कलर मिला लिया है, इसे इस तरह से बीच में लगाएंगे और दोनों कलर को मच कर देंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छा सा कलर हमें मिल जाएगा। इस तरह से लगाने के बाद पैलेट नाइफ से इस तरह से हमें इसे मच करना है। अब हम लेंगे 1 एंड नोज़ल और इसे रोजेट बनाएंगे।
इसके बाद हम छोटा वाला स्टार नोज़ल लेंगे। स्टार नोज़ल मतलब छोटे वाले स्टार नोज़ल से इस तरह से फ्लावर बना देंगे और बीच में थोड़े से पर्ल्स लगा देंगे, जिससे कि केक और भी अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे केक अच्छे से डेकोरेट हो चुका है, तो बीच में मैं इसमें नाम लिखूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हैप्पी बर्थडे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, नाम लिखना बहुत ही इसमें मुश्किल लगता है केक में, क्योंकि अगर बिगड़ जाएगा तो केक का लुक ही ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने हैप्पी बर्थडे लिख दिया और जिसका नाम था, मुझे उसका नाम मतलब पता नहीं था, तो मैं उसका नाम बाद में इसमें ऐड करूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये सिंपल सी केक की रेसिपी कैसे लगी, डिज़ाइन कैसा लगा, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी कोई नया वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो पर्पल वाला क्रीम बचा था, मैं इस तरह से थोड़ा सा डॉट डॉट वाला मतलब डिज़ाइन बनाई हूँ, जिससे कि ये केक बहुत ही अच्छा दिखेगा। फिर मैं जिसका केक था, मैंने उसका मतलब जिसका बर्थडे था, मैंने उसका नाम भी लिख दिया है। और फिर इसमें थोड़ा सा मतलब सिल्वर लेशर से इसे थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। फाइनली केक यहाँ पे रेडी है, अब इसकी बॉक्स में इसे पैक करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय।